नमस्कार संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों से जो बच्चे हमारे यहाँ जो वीकली टेस्ट होते हैं उसमें पहला दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो अभी 4 फरवरी को टेस्ट हुआ था जिसमें अमित यादव ने पहला स्थान पाया है 66.5 अंक लेकर। तो जो हम जैसे NDA CDS की जैसे तर्ज पे एग्ज़ाम कराते हैं तो वैसे ही बिल्कुल हर हफ्ते यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। और अब क्योंकि 16 अप्रैल को NDA और CDS का टेस्ट भी है तो उसकी मॉक टेस्ट की सीरीज भी जल्द शुरू करेंगे हम। तो अभी बात करते हैं अमित यादव से। अमित, अपने बारे में बताओ। सर, माय नेम इज़ अमित यादव एंड आई एम फ्रॉम UP आगरा एंड माय फादर नेम इज़ मिस्टर सतवीर यादव, ही इज़ इन आर्मी। और माय मदर नेम इज़ मिसेज मीना देवी, सी इज़ अ हाउस वाइफ। तो जैसे भी आपने वीकली टेस्ट में अभी पहला स्थान प्राप्त किया है तो वीकली टेस्ट का कितना फ़ायदा मिलेगा आपको, क्या लग रहा है? सर इससे बहुत फ़ायदा होता है। मतलब इससे पता चलता है कि हमें कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है और कितनी कर चुके हैं। अच्छा, जब तुम जैसे अभी टेस्ट दिया है तो आर्मी में जाने के लिए कैसे सोचा कि मुझे आर्मी में जाना है? सर, माई फैमिली बैकग्राउंड, माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर इज इन इंडियन आर्मी, सो सर फ्रॉम देयर आई वॉन्ट टू चूज। तो उनको देख के लगा कि मुझे भी वर्दी पहननी है। यस सर। कोई रोल मॉडल है कोई? सर, माई रोल मॉडल इज़ विक्रम बत्रा। तो फादर और दादाजी क्यों नहीं है? सर, दे बोथ ऑल्सो माई रोल मॉडल। अच्छा, जब तुम DDA में आए थे और अब मैं अपने में कितना अंतर देख रहा हूँ कि कितना इम्प्रूवमेंट है? सर, अंतर तो सर बहुत आया है सर, क्योंकि पहले मेरा मैथ बहुत वीक था सर। अभी मैं डेली क्लासेज आता हूँ तो सर जिसकी वजह से मेरा मैथ बहुत ठीक हो गया है और सर GAT पोर्शन भी सही चला है। चलो, मैं तब से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे साथ है अंकू कुमारी जिन्होंने 63.72 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंकू, अपने बारे में बताओ। माय नेम इज़ अंकू कुमारी, आई एम फ्रॉम बिहार, नालंदा। माय फादर इज़ फार्मर एंड मदर, माय मदर इज़ हाउसवाइफ। अच्छा, जो वीकली टेस्ट में जैसा अभी सेकेंड स्थान मिला है आपको, तो इस वीकली टेस्ट से कितना फ़ायदा मिलता है? इस वीकली टेस्ट से ये फ़ायदा होता है कि हमें अपने तैयारी पता चल जाती है कि हमने कितना पढ़ा है और मतलब कितना और हमें पढ़ना चाहिए। और इससे ये होता है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट एंड उमर सीट वगैरह कैसे, वहाँ एग्ज़ाम में हम गलती ना करें, इस ये सब फ़ायदा होता है। अच्छा, आर्मी में जाने का सोचा, फार्मर है पिताजी, तो कैसे आर्मी में आए कि मुझे आर्मी में जाना है? क्योंकि वो मेरे पापा चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो इसलिए वो उनने मुझे बचपन से ही मोटिवेट किया कि उनने मुझे ऐसे रखा था कि मुझे आर्मी में ही भेजना है। अच्छा, मतलब बचपन से माइंडसेट कर दिया था आर्मी में जाना है। तो कोई रोल मॉडल है? कौन है रोल मॉडल? वो मेरे रोल मॉडल है तो मेरे पापा ही हो सकते हैं, बस वही है। अच्छा, अच्छा, जब DDA में आए थे और अभी मैं अपने में कितना फ़र्क महसूस कर रही हूँ? पहले ये था कि पहला हमारा माइंडसेट बस स्कूल तक ही था, बट यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें अच्छा डायरेक्शन मिला और सब कुछ बताया गया कि क्या क्या पढ़ना होता है NDA के लिए और क्या क्या मतलब कैसे करना चाहिए। चलो, थैंक यू। अब हमारे साथ है साधना पांडे जिन्होंने 60.72 अंक लेकर अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया। साधना, अपने बारे में। माई नेम इज़ साधना पांडे, आई एम फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश। माई फादर इज़ फार्मर एंड हिज नेम इज़ मिस्टर रमाकांत पांडे। माई मदर नेम इज़ मिसेस पद्मावती देवी। अच्छा, जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, जैसे मॉक टेस्ट भी होंगे आगे चल के अभी जो एग्ज़ाम से पहले, तो इनका टेस्ट होगा कितना फ़ायदा मिलता है, क्या लगता है? सर, इससे हमें पता चलती है कि हम किस लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल पर हमें तैयारी अभी करनी चाहिए। इससे हमें OMR शीट भरने का पता चलता है कि हम कितनी गलती कर रहे हैं और थोड़ी इफ़िशेंसी भी बढ़ती है हमारी एग्ज़ाम करने की। डर जो होता है एग्ज़ाम में बैठने वाला डर होता है वो हमारा काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और हमें प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी पता चलता है कि हम कितनी देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आर्मी में जाने का कैसे सोचा कि मुझे आर्मी में जाना है? सब आर्मी में अलग ही रेस्पेक्ट, प्राइड और अलग ही मतलब अलग रेस्पेक्ट मिलती है, तो बस इसीलिए मुझे और नेशन के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आर्मी में। तो कोई रोल मॉडल आपका? हाँ सर, मिसेज अवनी चतुर्वेदी रोल मॉडल हैं। तो जैसे DDA में आए थे और अब मैं अपने में कितना डिफरेंस देख रहा हूँ, कितना इम्प्रूवमेंट आया? हाँ सर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे टीचर्स ने मतलब गाइड किया हमें कि किस हमें कैसे तैयारी करनी है और हमें यहाँ पे पता चला कि हमें किस वे में किस तरीके से मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है और पहले नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे आके काफ़ी हमें गाइडनेस मिली। चलो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। Kindly subscribe DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.